रामायण और महाभारत में दो ऐसे महान पुरुष हुए जिनके समान बलशाली संसार में दूसरा कोई नहीं था। ये थे परशुराम और भीष्म पितामह। परशुराम भीष्म पितामह के गुरु थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि भीष्म और परशुराम में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर इस युद्ध में किसकी विजय हुई, आइए जानते हैं। भीष्म ने काशीराज की तीन पुत्रियों का अपहरण कर उन्हें अपने भाई विचित्र वीर से विवाह करने के लिए विवश कर दिया, लेकिन उनमें से अंबा शाल्वराज से प्रेम करती थी, इसलिए भीष्म ने उन्हें शाल्वराज के पास वापस भेज दिया। लेकिन शाल्व ने अंबा को ठुकरा दिया। अंबा जाकर वन में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात परशुराम से हुई। उसने रोते हुए परशुराम से कहा कि भीष्म के कारण उनकी जिंदगी तबाह हो गई, इसलिए वो भीष्म से बदला लेना चाहती हैं। अंबा की बात सुनकर परशुराम भीष्म से युद्ध करने को तैयार हो गए। परशुराम ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म को ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों बलशाली थे, इसलिए कभी परशुराम का तो कभी भीष्म का पलड़ा भारी हो जाता। पुराणों के अनुसार परशुराम और भीष्म दोनों अवध्य थे, इसलिए इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। भीष्म गंगा पुत्र थे, इसलिए माँ गंगा और नारद मुनि ने दोनों के बीच समझौता करा दिया और ये युद्ध खत्म हो गया। अपना बदला पूरा ना होते देख अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में उसका जन्म शिखंडी के रूप में होगा। महाभारत के युद्ध के दौरान ये शिखंडी ही था जिसकी आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म को वाणों से छेद दिया था। अंततः अंबा ही भीष्म के मौत का कारण बनी।